अज़ीज़ुल्लाह खान दुर्रानी साहब के साहबजादे आदिल खान दुर्रानी, जिनका मेहरदैन 51,786 रुपए सिक्के रायजुल वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब राखी सावंत, इस नाम से आप बखूबी तौर पर वाकिफ होंगे, आपने उसके गाने काफी ज्यादा देखे होंगे। आइटम गर्ल रही हैं, डांसिंग क्वीन रही हैं, अपने मुतनाजा बयानात की वजह से अक्सर वो मशहूरियत की बुलंदियों पर पहुंच जाती हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस बात का एतराफ खुद राखी सावंत ने किया है कि जनाब उन्होंने एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली है। लेकिन मुसलमान लड़के से शादी करने से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम भी तब्दील कर लिया है। राखी सावंत का नाम अब राखी सावंत नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया और इसका बरमला इजहार उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की पिक्चर्स लगा के किया। इससे पहले राखी सावंत दो बार शादी कर चुकी हैं और बाकायदा तौर पर जो वीडियो आपने देखी होगी, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने इंस्टाग्राम पर जाके आप जरूर देख लीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी स्टोरी पर वो इसकी वीडियो लगा दूं जहां पर वो बाकायदा तौर पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रही हैं। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जनाब आपकी मर्जी है, फॉलो करना चाहें जरूर करें। मेरी ख्वाहिश है कि आप फॉलो जरूर कीजिए और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वक्त काफी ज्यादा इस पर बात की जा रही है और उसकी बात करने की वजह क्या है? अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी, जहां राखी सावंत होती है ना वहां पर मुतनाजा चीजें होना कोई नई बात नहीं है। जहां वो जाती हैं कोई तनाजा खड़ा हो जाता है। अब इनकी शादी भी एक तनाजे की जद में आ गई है। पहले मैं शादी के वाले से आपको बता दूं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि तनाजा कैसे खड़ा हो गया है। इनके जो दूसरे शौहर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। जनाब 29 मई 2022 को सुनने में आ रहा है कि जनाब इनकी शादी हुई, क्योंकि जो निकाहनामा है जिसमें इनका हक महर तकरीबन 52,000 इंडियन रुपीस रखा गया है और बाकायदा तौर पर एक निकाह खामा मौजूद है, उन्होंने कलमा पढ़वाया। राखी सावंत ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, अपना नाम फातिमा रखा और उसके बाद उनका निकाह पढ़ाया गया। निकाह में भी राखी सावंत को जो नाम है वो फातिमा के तौर पर लिखा गया है। अच्छा जनाब, ये जो निकाह हुआ है ये 29 मई साल 2022 को हुआ, तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है ये। लेकिन अगर आप गूगल जाके करेंगे सर्च
तो राखी सावंत की जो शादी की डेट आ रही है वो 2 जुलाई 2022 निकल कर आ रही है। तकरीबन ये 1 साल पुराना वाला मामला हो चुका है। एक तवील अरसे से आदिल दुर्रानी जो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे उनको वो डेट कर रही थी, दोनों बर्मला इजहार करते थे कि जनाब हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन राखी सावंत ने बर्मला इसका इजहार किया था और कई मरतबा इसका इजहार किया था कि जनाब आदिल के जो घर वाले हैं वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो इस शादी के हक में नहीं है, इसलिए जब तक आदिल के घर वाले इस पर रजामंद नहीं हो जाएंगे तब तक हम बाकायदा तौर पर शादी नहीं करेंगे। शायद उनका मौकिफ यह था कि शादी उन्होंने कर ली है लेकिन इसका ऐलान उस वक्त किया जाएगा जब इनके वालिदैन रजामंद हो जाएंगे। जनाब राखी सावंत की पहली शादी 2009 में हुई थी, ये उनकी पहली शादी नहीं है, ये इनकी तीसरी शादी है जो उन्होंने निकाह किया। दूसरी शादी इनकी हुई रितेश राज पांडे से और ये बिग बॉस 15 में जाने से पहले हुई। अच्छा, रितेश राज पांडे जाहिर सी बात है हिंदू है, राखी सावंत भी पहले हिंदू थी। अब इन दोनों की शादी तो हो गई लेकिन इन दोनों का तलाक नहीं हुआ है, इन दोनों का बकायदा तौर पर जो डायवोर्स सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया गया। अगर आज रितेश राज जो पांडे हैं ये अगर आकर दावा कर दें कि राखी सावंत मेरी बीवी है तो कानूनी तौर पर इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और राखी सावंत ने इस सारे मामले से बचने के लिए इसी वजह से आदिल दुर्रानी से शादी तो की लेकिन उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया, क्योंकि वहां पर हिंदू मजहब में दूसरी शादी, खैर मुसलमानों में भी ख्वातीन को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होती जब तक वो एक निकाह के अंदर मौजूद है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज में ये कहा जाता है और सुना जाता है। अब जनाब उन्होंने मुसलमान इस्लाम कबूल किया, अपना नाम फातिमा रखा और उसके बाद उन्होंने आदिल से बाकायदा तौर पर निकाह कर लिया और इसका बर्मला इजहार कर। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो अक्सर लोग नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि जनाब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उन्होंने ना ही अपना नाम तब्दील किया है ना ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हाँ, आदिल दुर्रानी से उन्होंने शादी जरूर कर लिया लेकिन उस वक्त ही मेरे पास पक्की खबर थी। अब राखी सावंत ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाकायदा कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उन्होंने आदिल दुर्रानी से बाकायदा तौर पर निकाह किया। उसके बाद उनका एक मौकफ भी निकल कर सामने आया। अपने मौकफ में वो कहती हैं कि जनाब मैं बहुत खुश हूँ, बिलाखिर मुझे अपनी जो हकीकी मोहब्बत है वो मिल चुकी है, मैं जिस शख्स से शादी करना चाहती थी उस शख्स से मैंने बाकायदा तौर पर निकाह कर लिया। और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की जानिब से उनको मुबारकबाद भी दी जा रही है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।